ट्रेवल, कम्युनिकेशन और टेक्निकल फील्ड के ग्रह जिनके कारक तत्व उनके पास है, यस प्लैनेट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गए आज और 16 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, यानी कि वक्री जिसे हम कहते हैं। देखिए वैसे तो ये खगोलीय घटना है, हर प्लैनेट वक्री मार्गी होते रहते हैं, पर वक्री प्लैनेट जो है, जब ये एक प्लैनेट वक्री होता है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी कि उसकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर हमारे चार्ट में वो प्लैनेट स्ट्रांग होता है, यानी कि डिग्री वाइज भी उसके पास बल है, अच्छे ग्रहों का स्वामी है, अच्छी स्थिति में बैठा है, कोई मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है उसके ऊपर, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक पर्सन के पास बंदूक है ना, तो हर समय नेगेटिव नहीं होता ना। अगर एक पर्सन के पास बंदूक है तो पुलिस के पास भी बंदूक होती है, तो क्या ये नेगेटिव है? तो यानी कि वक्री ग्रह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर क्या रिजल्ट रहेगा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट में मर्क्यूरी की क्या स्थिति है। मैंने 7 डेज की फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि एक प्लैनेट को कैसे निकालना है डिग्री वाइज और उसकी स्थिति वाइज, तो ये आप लोग देख सकते हो, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मुझसे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी कैसी स्थिति रहेगी, तो वक्री होने की वजह से आपको कुछ कम्युनिकेशन, ट्रैवल या आपके गैजेट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा नया परचेज करो, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आपका मर्क्यूरी पॉजिटिव है तो आपको ज़रूर करना चाहिए ट्रैवल, या आपको न्यू जॉब मिल सकती है। और ये जो चंद्रयान 3 आज लैंड होना है, ये भी फिंगर्स क्रॉस्ड है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम